भारतीय सिनेमा की वो अभिनेत्री जो अपनी भावाभिव्यक्ति और नजाकत के लिए जानी जाती हैं, वो हैं मधुबाला। बॉलीवुड बुलशिट के इस एपिसोड के जरिए हम फिल्म अभिनेत्री मधुबाला की जिंदगी के कुछ ऐसे राजों पर से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में शायद आज तक आपको न पता हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि उसी के जरिए आपको हमारी बॉलीवुड बुलशिट की इस रेट्रो स्पेशल वेब सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आइए जानते हैं फिल्म अभिनेत्री मधुबाला की जिंदगी के उन अनसुने फैक्ट्स और ट्रीवियाज को जिन पर से पर्दा आज बॉलीवुड बुलशिट के इस एपिसोड के जरिए उठेगा। मधुबाला हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री थी। उनके अभिनय में एक आदर्श भारतीय नारी को देखा जा सकता है। उनके शानदार अभिनय, प्रतिभा, व्यक्तित्व और सुंदरता को देखकर यही कहा जा सकता है कि वो भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महान अभिनेत्री हैं। मधुबाला का पूरा नाम मुमताज बेगम जहां देहलवी था। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। मधुबाला अपने माता पिता की पांचवी संतान थीं। उनके माता पिता के कुल 11 बच्चे थे। ऐसा कहा जाता है कि एक भविष्य वक्ता ने उनके माता पिता से ये कहा था कि मुमताज अत्यधिक ख्याति और संपत्ति अर्जित करेगी लेकिन उनका जीवन दुखमय होगा। उनके पिता आयतुल्लाह खान ये भविष्यवाणी सुनकर दिल्ली से मुंबई अपने पूरे परिवार के साथ एक अच्छे जीवन की तलाश में आ गए। शुरुआत में मुंबई में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मधुबाला ने काम करना शुरू किया परिवार की स्थिति बेहतर होती गई। मधुबाला को वीनस ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता था। हिंदी सिनेमा जगत में बेबी मुमताज के नाम से उन्होंने एंट्री की। उनकी पहली फिल्म बसंत थी। फिल्म अभिनेत्री देविका रानी बसंत में उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुई और फिर उन्होंने उनका नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। मधुबाला को बॉलीवुड में अभिनय के साथ साथ अन्य कई तरह के प्रशिक्षण भी दिए गए। मधुबाला को 12 साल की उम्र में ही गाड़ी चलानी आ गई थी। मधुबाला को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन वो इंग्लिश सीखना चाहती थी। उनकी ये जिद इतनी पक्की थी कि मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लिश में मास्टरी हासिल कर ली थी। मधुबाला को मुख्य भूमिका निभाने का पहला मौका मिला केदार शर्मा की फिल्म के जरिए। इस फिल्म नील कमल में उन्होंने राज कपूर के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में उनके अभिनय के बाद उन्हें सिनेमा की सौंदर्य देवी कहा जाने लगा। इस छोटी सी जिंदगी में मधुबाला का नाम काफी लोगों के साथ जुड़ा जिनमें से एक थे कमाल अमरोही। कमाल अमरोही के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। यहाँ तक कि मधुबाला के पिता को भी इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन मधुबाला ने कमाल अमरोही से शादी के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कमाल अमरोही से कहा कि अगर वो मधुबाला से शादी करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पहली बीवी को छोड़ना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने कमाल अमरोही को पैसे भी दिए लेकिन कमाल अमरोही इस सब के लिए नहीं माने। इस कारण मधुबाला का दिल टूट गया और वो कमाल अमरोही से हमेशा के लिए अलग हो गई। अगर सूत्रों की माने तो मधुबाला का नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से भी जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जुल्फिकार मधुबाला को देखने के लिए पाकिस्तान से मुंबई आते थे और घंटों उनकी शूटिंग पर बैठे रहते थे। शूटिंग के बाद कभी कभार वो दोनों लंच पर भी चले जाते थे। मधुबाला का नाम फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से भी जोड़ा जाता है। मधुबाला दिलीप कुमार से पहली बार फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर मिली थी और उसके बाद उनके मन में दिलीप कुमार के प्रति आकर्षण और भी बढ़ गया। मुगले आजम की एक साल की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से बेहद प्रेम करने लगे। मधुबाला दिलीप कुमार से शादी भी करना चाहती थी लेकिन इसके लिए उनके पिता राजी नहीं थे और इसी वजह से इन दोनों को आखिरकार अलग ही होना पड़ा। मधुबाला ने अपने करियर में लगभग 74 फिल्मों में काम किया जिनमें से कुल 15 फिल्में ही ब्लॉकबस्टर रहीं। मधुबाला कभी भी एक सोशल लाइफ नहीं जी पाई। उनके पिता हर जगह उनके साथ रहते थे। यहाँ तक कि वो हर शूटिंग में मधुबाला के साथ आते जाते थे। घर पर भी मधुबाला से कौन मिलने आता है और कौन नहीं इस पर उनके पिता की कड़ी नजर रहती थी। उन्हें किसी से भी ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं थी। मधुबाला को शादी के लिए 3 अलग अलग लोगों से प्रस्ताव मिले लेकिन वो भारत भूषण, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार में से किन से शादी करे इसके लिए उन्होंने अपनी जिगरी दोस्त नरगिस से सुझाव लिया। नरगिस ने उन्हें भारत भूषण से शादी करने का सुझाव दिया।
क्योंकि उस समय उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। नरगिस के मुताबिक भारत भूषण प्रदीप कुमार और किशोर कुमार से बेहतर थे, लेकिन मधुबाला ने किसी की नहीं सुनते हुए किशोर कुमार को चुना। उस समय किशोर कुमार का तलाक हो चुका था, लेकिन दिन ब दिन मधुबाला की हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन मधुबाला के पिता ने किशोर कुमार को बताया कि वो मधुबाला के बेहतर इलाज के लिए उसे लंदन ले जा रहे हैं और उसके लौटने के बाद ही वो शादी कर पाएंगे। मधुबाला मरने से पहले शादी करना चाहती थी और ये बात किशोर कुमार को अच्छी तरह से पता थी। मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन किशोर कुमार के माता पिता ने कभी भी मधुबाला को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि उनके माता पिता मधुबाला को अपने बेटे की पहली शादी टूटने का जिम्मेदार मानते थे। यहाँ तक कि किशोर कुमार ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ मधुबाला से शादी की, लेकिन उनके माँ बाप तब भी नहीं माने। मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी तो कर ली, लेकिन उनकी बीमारी के चलते वो कभी भी खुश नहीं रह पाए। मधुबाला की बहन बताती हैं कि जैसे ही लंदन में किशोर कुमार और मधुबाला से डॉक्टर्स ने कहा कि उनका दिल अब खत्म हो चुका है और वो 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगी, किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके घर छोड़ दिया और वो ट्रैवलिंग और म्यूजिक के लिए निकल गए। इसके बाद किशोर कुमार सिर्फ 2 से 3 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने जाते थे। मधुबाला के दिल में एक छेद था। मधुबाला कमाल की सुंदर और एक बेहतरीन अदाकारा थी। उनकी नटखट हंसी और बेहतरीन करियर को देखकर हर कोई यही कहता था कि उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी खुशियों और प्यार से कोसों दूर थी, जिन्हें पाने के लिए उन्होंने मरते दम तक कोशिश की, लेकिन दुख, तन्हाई और तिरस्कार के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके कारण उनकी मात्र 36 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। तो ये था बॉलीवुड बुलशिट का आज का रेट्रो स्पेशल एपिसोड, जो कि आधारित था मधुबाला की जिंदगी पर। इस वीडियो को लेकर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के जरिए आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी।